हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स जैसे कि हम अपनी बुक पढ़ रहे हैं बाल राम कथा तो अभी तक क्या है सेना आकर समुद्र के पास तक रुक चुकी है अब दुविधा है कि समुद्र पार करे तो कैसे करे तो जामवंत जो है वो हनुमान की जो शक्तियां जो भूल चुके थे वो उनको याद दिलाते हैं कि आप के अंदर ये शक्तियां हैं कि आप उड़ सकते हैं आप सब कुछ कर सकते हैं आपके अंदर बहुत तरह तरह की शक्तियाँ उनको याद दिलाते हैं तो हनुमान को अब वो शक्तियां याद आ चुकी हैं अब हनुमान कहाँ जाएंगे लंका जाएंगे अभी वो अकेले जाएंगे क्योंकि राम ने क्या बोला था एक दूत हमको पहले भेजना है हमको एक दूत भेजना है ताकि हम लंका के बारे में पता कर सकें तो वो अब हनुमान को भेजेंगे तो हमारा जो ये नवा खंड आ रहा है ये इसमें क्या है लंका में हनुमान चलिए देखते हैं हनुमान उठे अंगड़ाई ली झुककर धरती को छुआ और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए यानी कि अब उनको शक्ति आ गई थी तो वही पास में एक महेंद्र पर नाम का एक पर्वत था उस पर जाके खड़े हुए जामवंत सफल हो गए थे हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाने में पर्वत शिखर पर खड़े हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा उसकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था समर्पण का था राम के प्रति समुद्र यह देख कर डर गया उसकी गरिमा नष्ट होने को थी हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने पिता को प्रणाम किया हाथ हवा में उठाए पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कस कर दबाया और छलांग लगा दी अब क्या हुआ महेंद्र पर्वत की तरफ देखा उन्होंने तो आंखों में क्या था राम के प्रति समर्पण का भाव था तो ये देखते ही समुद्र डर गया कि अब नहीं इनसे कुछ नहीं करना उन्होंने हनुमान जो है उत्तर दिशा की ओर घूमे जो है और उन्होंने प्रणाम किया अपने पिता को और तुरंत ही नीचे तो छलांग लगाने से पहले कैसे हमको नीचे झुकना पड़ता है उसी तरीके से उन्होंने कस के नीचे झुके और तुरंत छलांग लगा दी ऊपर उड़ने को समुद्र के ऊपर अगले ही पल वह आकाश में थे समुद्र के ऊपर तेजी से आगे बढ़ते हुए छलांग के समय बड़े शिलाखंड आसमान में उड़ गए कुछ दूर हनुमान के साथ गए जैसे परिजन किसी को विदा करने जाते हैं हनुमान की गति अधिक थी पत्थर पीछे छूट गए और समुद्र में जा गिरे तो अब क्या हुआ उन्होंने जब ताकत लगा के ऊपर उड़ने का कोशिश करी तो कुछ शिलाखंड जो है वो टूट गए थे और जब उन्होंने ऊपर ऐसे छलांग लगाई तो उनके वेग से वो जितने खंड थे पत्थर के कुछ टुकड़े उनके साथ साथ उनकी तरफ बढ़े और जैसे ही बढ़े वो उनकी तरफ ऐसे करके बढ़े और बढ़ने के साथ ही जो है थोड़ी दूर तक उनके साथ गए और फिर वो वापस छूट गए और समुद्र में गिर गए और हनुमान आगे की तरफ निकल गए महेंद्र पर्वत सुंदर था वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरा उसका शिखर पथरीला था लेकिन नीचे घाटी में मनमोहक वृक्ष थे लताएं थी हनुमान के छलांग लगाने तक पर्वत शांत था निश्चल था छलांग के दबाव से पर्वत दरक गया वृक्ष कांप कर गिर गए वन थर्रा गया बड़ी बड़ी चट्टाने नीचे लुढ़कने लगी पशु पक्षी चित्कार करते हुए भागे कई स्थान पर जल स्रोत फूट पड़े कहीं धुआं उठने लगा चट्टाने दहक उठी लाल हो गई आग के गोलों की तरह तो अब जो हनुमान जी ने महेंद्र पर्वत के ऊपर जो, थी, उसके से जो जल गई जलने से तो लाल लाल हो जाती ना उस तरीके से लाल लाल होने लगी धुआं उठने लगा आस पास के जो कुछ जानवर थे पक्षी थे महेंद्र पर्वत के वो सब डर के भागने लगे पेड़ गिर गए उनमें चट्टानों में दरारें पड़ गई मतलब इतना वेग था उनकी छलांग में उनके अंदर इतनी ताकत थी आपको इस पैरा के अंदर ये बताया गया है कि हनुमान के अंदर किस हद तक ताकत थी उन्होंने कितनी छलांग लगाई हनुमान इससे बेखबर थे वायु की गति से आगे बढ़ रहे थे मार्ग में उन्होंने दिशा बदली लंका जाने के लिए उनका शरीर हिला तो बादलों की सी गड़गड़ाहट हुई वे जहाँ से निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने पर लगती तो अब ये जो कुछ हुआ था ये सब जो महेंद्र पर्वत के साथ हुआ था हनुमान को ये सब कुछ नहीं पता था वो इतनी तेजी से थे कि अब भाई जैसे चले और थोड़ा सा उनको ऐसे टर्न लेना है लंका की तरफ जाने के लिए जो उन्होंने लिया तो मतलब तो गड़गड़ाहट हुई होता है ना घर्षण होता है वेग से हवा का जो घर्षण होता है उससे आवाज़ हुई तो वो जहाँ से भी जा रहे थे समुद्रों में लहरें उठने लग रही थी कोई अगर जमीन पड़ रही थी तो खलबली मच जा रही थी इस तरीके से उनमें वेग था उनकी रफ्तार इतना रफ्तार थी उनके जाने में इतना ताकत थी उनकी परछाई समुद्र में विराट नाव की तरह दिखती थी अब उन्होंने अपना शरीर बड़ा कर लिया था शक्ति थी उनके पास तो उनका जो शरीर की जो परछाई पानी में पड़ रही थी जैसे लग रहा था बहुत बड़ी नाव जो है वो जा रही है बिना आवाज चलती हुई समुद्र के अंदर एक पर्वत था मैनाक सुनहरा चमकता हुआ वह जल राशि को चीर कर ऊपर उठा मैनाक चाहता था कि हनुमान कुछ पल वहाँ विश्राम कर लें थक गए होंगे हनुमान नहीं रुके उन्हें मैनाक की सदीक्षा बाधा लगी राम काज में वह मैनाक से टकराते हुए निकल गए हाथ ऊपरी हिस्से पर लगा तो पर्वत शिखर टूट गया वह कुछ और ऊपर उठकर उड़ने लगे तो अब जब वो जा रहे थे रास्ते में तो समुद्र में एक छोटा सा पहाड़ था मैना वो पानी के अंदर था वो बाहर आने लगा ऐसे करके वो चाहते थे कि भाई इतनी लंबा वो थकान भरा सफर इतने वेग से कर रहे हैं थक गए हैं थोड़ी देर आकर बैठ जाए यहाँ पर विश्राम कर लें फिर चले जाएँ लेकिन हनुमान जी को ये सही नहीं लगा उन्हें लगा कि नहीं राम को जिस चीज़ की जल्दी अगर हम ये करेंगे तो उनको विलंब हो जाएगा इसलिए हम नहीं बैठेंगे वो नहीं मानते उड़ते चले जाते उड़ते जा रहे थे तो उनका हाथ का जो है वो मैनाक पर्वत के शिखर पर मतलब उसकी चोटी पर लग गया तो वो पूरा टूट गया शिखर इतने का इतने तेज उनका वेग था तो मैनाक पर्वत का जो शिखर था वो उनके हाथ से टूटने टूट गया तो वो थोड़ा सा और ऊंचे करके उठने लगे कि अब पहाड़ हमसे टकरा रहे हैं तो वो और ऊंचे उठकर उड़ने लगे हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं आई राक्षसी सुरसा मिली विराट शरीर वह हनुमान को खा जाना चाहती थी पवन पुत्र ने उसे चकमा दिया उसके मुंह से घुसकर निकल आए आगे एक और राक्षसी टिकराई उसका नाम हिका था छाया, छाया राक्षसी थी तो अब क्या हुआ अब रास्ते में ये नहीं तो उनको मिली सुरसा सुरसा मतलब बहुत बड़ा मुंह जिसका सुरसा तो राम हनुमान बहुत बड़े थे अब सुरसा ने सोचे कितना बड़ा मुंह खोला हो कि हनुमान उसके अंदर गए और जाके वापस चले आए तो वो इसीलिए उसको सुरसा बोला गया मतलब बहुत बड़े मुंह वाली वो अपना मुंह वो बड़ा 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 करते हनुमान जितना शरीर बड़ा करते जा रहे थे वो उससे बड़ा अपना मुंह करती जा रही थी तो हनुमान उसके मुंह के अंदर जाते हैं और जाके वापस आ जाते हैं फिर आगे एक राक्षसी मिलती है सिंघिका सिंघिका क्या थी एक छाया राक्षसी थी छाया राक्षसी जैसे छाया होती उसको आप ना पकड़ सकते हो ना काट सकते हो ना छू सकते हो ना बांध सकते हो उसी तरीके से वो राक्षसी थी चाहे आप जितनी कोशिश कर लीजिए आप उसको पकड़ नहीं सकते थे उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली वह अचानक आसमान में ठहर गए क्रुद्ध हनुमान ने सिंघिका को मार डाला और आगे बढ़े अब वो जब जा रही थी तो उसने क्या किया अब वो छाया थी तो छाया को पकड़ सकती थी उसने हनुमान की परछाई को पकड़ लिया तो हनुमान रुक गए को तो गुस्सा आया उन्होंने सिंघिका को भी मार दिया अब गंतव्य दूर नहीं था दूर क्षितिज पर लंका दिखाई पड़ने लगी थी रावण की राजधानी सोने की लंका आकाश में उठते हुए कंगूरे उसकी प्राचीर लंका जगमगा रही थी हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए अब वह लंका को और निकट से देख पा रहे थे अब जब सिंग लिया तो थोड़ी दूर से जैसे हम लोग जाते थोड़ी दूर से दिखाई देने लगता है तो दूर जो है क्षितिज पे लंका दिखाई देने लगी थी कैसे कैसे महल बने थे सब धीरे धीरे जैसे वो जो पास जैसे जैसे वो पास पहुंच रहे थे हनुमान उनको और चीजें नज़दीक आती जा रही थी दिखती जा रही थी अब आगे जब वो बढ़े तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से लंका जगमगा रही है सोने की है अब वो समुद्र किनारे उतर गए अब उतरने के बाद अब लंका को और प्यास से देखना चाहते थे समुद्र के किनारे उतर गए वह लंका को और निकट से देख पा रहे थे हनुमान को थकान रंच नहीं थी बिल्कुल भी नहीं थकी थी लंबा सफर करने के बाद इतनी लंबे यात्रा का उन पर कोई प्रभाव नहीं था चिंता थी कि सीता को कैसे ढूंढेंगे कैसे पहचानेंगे लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ गए दृष्टि दौड़ाई चारों ओर वृक्ष से सुसज्जित उद्यान भव्य भवन हवा में लहराती संगीत धाराएं वे चकित थे राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता अब उन्होंने भाई पहुंचे अंदर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो अब जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि थोड़ा और अच्छे से देखें तो उन्होंने अच्छे से देखने कहा के के, चलो एक मुझे पहाड़ पे बैठ जाते जब हम पहाड़ पर बैठेंगे तो हमें चीजें ज्यादा अच्छे से दिखाई देंगी तो ऊपर पहाड़ पे गए देखा इतनी सुंदर सुंदर महल खूब सुंदर सुंदर बाग, बगीचे हर तरफ खुशहाली जब हो, तो उन्होंने राक्षस नगरी इतनी सुंदर कैसे हो सकती है वो बड़ी दुविधा में थे कि आखिर ये ऐसे कैसे हो सकता है उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा वह उस नगर का एक एक विवरण आंखों में भर लेना चाहते थे ताकि बाद में वह सीता की खोज में काम आए तो जो उन्होंने नगर देखा सुंदर था तो हर एक चीज़ को वो एकदम ध्यान से देख रहे थे कि कैसे कैसे ताकि जब हम सीता को खोजना शुरू करें तो हमें ये सब चीज़ें होता ना एक कोई नक्शा देखिए तो उसको अपने दिमाग में बसा लीजिए तो वही चीज़ था वो उन्होंने अपने दिमाग में अच्छे से बसा लिया कि जब हम सीता को खोजेंगे तो ये नक्शा हमारे दिमाग में रहेगा तो हमें हेल्प मिलेगी दिन के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं लगा उन्होंने प्रतीक्षा की समुद्र तट पर ही शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया उनके सामने पहला प्रश्न सीता का पता लगाना था उस विराट नगर में यह काम आसान नहीं था वृक्षों डालियों से कूदते फानते व नगर के मध्य में पहुंच गए राजमहल वहीं था उनका अनुमान था कि सीता महल में ही होंगी रावण ने उन्हें छिपाकर रखा होगा किसी कोने में महल में पहरेदार थे अस्त्र शस्त्र लिए हुए सबकी आंखें बचाकर वह चुपचाप अंदर आ गए राजमहल विराट था वैभवपूर्ण था वह बचते बताते महल में घूमने लगे भटकते रहे अब दिन का समय था दिन के समय में अगर वो प्रवेश करते तो उनको तो हर कोई देख लेता अब रात के समय में जब थोड़ा सन्नाटा हो जाए सब सो जाए तब जाना ज्यादा ठीक रहता है तो उन्होंने कहा रात का इंतजार किया

खूब बड़े बड़े महल थे सब अच्छा था बड़ा अच्छा उनको चकित भी थे कि भाई एक राक्षस कैसे इतना अच्छा अच्छा सब रख सकता है ढूंढ रहे हैं पहरेदार हैं आश से लेकिन मगर सीता कहीं नहीं दिख रही है इधर ढूंढ रहे हैं उधर ढूंढ रहे हैं सब भटकते जा रहे हैं मगर उन्हें कहीं पर भी सीता नहीं मिल रही है रात का समय था अधिकतर राक्षस सो रहे थे उन्होंने निकट जाकर एक एक चेहरा देखा सीता जैसी कोई स्त्री उन्हें नहीं दिखाई पड़ी रेवाड़, वे रावण के कक्ष में गए वहाँ रावण था उसकी रानी मंदोदरी थी सीता नहीं थी ना जाने सीता को कहाँ छिपा रखा है सोचते हुए हनुमान अंतापुर से बाहर निकल आए अब महल गए एक एक कक्ष में जा रहे हैं सबको ध्यान से देख रहे हैं कि सीता जैसी दिखे कोई नहीं दिख रही रावण के कक्ष में गए वहाँ पे भी देखा तो उनके साथ मंदोदरी सो रही थी वो भी ने भी उनकी रानी थी सीता नहीं है आखिर सीता कहाँ है तो अंतहापुर से बाहर निकल आए सोच ही रहे थे कि भाई हम कहाँ ढूंढे उनको एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर छान मारे जितने भी घर थे सब जगह सीता को खोज लिया पशुशालाएं भी देख ली, सीता का कहीं पता ना था सीता आ, के लंका में होने की सूचना पर उन्हें संदेह नहीं था पर वह दुखी हो गए सोचने लगे रावण ने अवश्य सीता को कहीं छिपा दिया है किसी गुप्त स्थान पे, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा उसे मिले बिना नहीं लौटूंगा उन्होंने तय कर लिया अंतापुर के बाहर हनुमान ने रावण का रथ रत देखा रत्नों से सजा हुआ वे चकित रह गए तो अब क्या हुआ भाई परेशान थे कि कहां है सीता एक एक घर देखा पशुशालाएं कार्यशालाएं सब जगह देख जा रहा सीता कहीं मिली नहीं रही है भाई है सीता तो ये तो उनको डाउट नहीं था कि सीता लंका में नहीं ये तो पक्का था तो अब उन्होंने सोचा कि रावण ने जरूर इन्हें किसी गुप्त जगह पे छिपाया है तो चलिए सोचते सोचते वो अंतापुर से बाहर आए देखा तो रावण का एक रथ खड़ा था एकदम हीरे जवहरा भव्य सा साक्षस का रथ इतना अच्छा देख के तो भाई वो चकित रह गए अरे वाह क्या बात है तभी उनका ध्यान अंतापुर से लगी वाटिका की ओर गया अंतापुर से लगी वाटिका वाटिका मतलब बगीचा वहां पर उनके पास गया वहां अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे आकाश छूने को आतुर यही अशोक वाटिका थी दीवार वे वहां पहुंचे लंका में यही एक स्थान बचा था जो उन्होंने नहीं देखा था उन्हें लगा सीता वाटिका में नहीं हो सकती रावण उन्हें इतनी खुली जगह में क्यों रखेगा हनुमान को निराशा घर करती जा रही थी वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए दिन चढ़ गया ऐसे में नीचे उतरना उन्हें उचित नहीं लगा पेड़ घना था वे उसके पत्तों में छिप गए उन्हें वहां से सब कुछ दिखा दिखता था लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था अब वो उनका रथ देख रहे थे इतना बड़ा इतना विशाल इतना बढ़िया रथ तो उनका ध्यान गया कि अंतापुर के पास में एक वाटिका थी मतलब एक छोटा बगीचा था उसमें अशोक के पेड़ बहुत लंबे लंबे लगे थे खूब बड़े बड़े पेड़ घने घने पेड़ लगे थे तो ये अशोक वाटिका थी जहाँ पर सीता जी को रखा गया था तो उन्होंने सोचा कि वाटिका में बगीचे में तो सीता जी को नहीं रखा जा रहा तो थोड़ा निराश हो गए थे अरे यार हमको मिल नहीं रही क्या बात है क्या नहीं है तब भी वो छलांग मार के वाटिका के अंदर जाते हैं और एक पेड़ पे चढ़ के बैठ जाते हैं अब क्योंकि सुबह निकल रही थी अब पेड़ घने थे तो वो चुपचाप पत्तों के बीच में बैठ गए जाके तो ताकि उन्हें कोई ना देख पाए लेकिन उन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा था रात हो गई अब दिन भर वो वहीं बैठे रहे अब रात हो गई अचानक वाटिका के एक कोने से उन्हें अट्ठास सुनाई दिया रात हो गई अट्ठास मतलब हंसी मजाक सुनाई दिया वे राक्षसियां थी हनुमान उधर ही देखने लगे एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड था उन्होंने तो देखा एक वृक्ष के नीचे बहुत सारी राक्षसियों का झुंड इकट्ठा था बहुत सारी राक्षसियां एक वृक्ष के नीचे इकट्ठा थी वे किसी बात पर ठहाके लगा रही थी हनुमान को लगा कि वे सीता पर हंस रही हैं वह पेड़ से चिपक कर नीचे की डाली पर आ गए ध्यान से देखा राक्षसियों के बीच एक स्त्री बैठी है चेहरा मुरझाया उदास दयानी दुर्बल शोकग्रस्त यही माँ सीता है उन्होंने मन में सोचा उन्हें अब कोई संदेश नहीं संदेह नहीं था तो अब क्या हुआ उन्होंने देखा बहुत सारी राक्षसियां एक बेड के नीचे सब कोई किसी पे हंस रही तो उनको लगा कि वो सीधा पे हंस रही हैं तो वो धीरे से चिपकते हुए नीचे आए ध्यान से देखा तो इतनी सारी दुष्ट राक्षसियों की वह डरी सहमी दुर्बल सी एक स्त्री बैठी हुई उन्हें यकीन हो गया कि यही माता सीता है तो प्रसन्न भी हो गए कि माँ सीता मिल गई हैं राक्षसियां वहीं थी हट नहीं रही थी हनुमान उतावले थे पर नीचे उतरने से डर था स्वयं उनके लिए सीता के लिए भी तभी उन्होंने रावण को आते देखा राज सी ठाट बाट के साथ दासियों सहित हनुमान सीता से भेंट किए बिना लौटना नहीं चाहते थे ऐसे लौटा तो राम को क्या बताऊंगा उन्होंने सोचा नीचे उतरने का अवसर ही नहीं मिल रहा था वे डाल से चिपक गए सांस रोककर रावण के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे अब राक्षसियां वहीं पे इकट्ठा थी अब हटते तो वो जाती जाते हनुमान जी मिलते मगर वो इतने में भाई रावण आ गया अब रावण जो है वो सीता के पास जा रहा था अगर रावण के सामने आ जाते तो भी सही नहीं था तो इन्होंने क्या किया कि नहीं हम रुकते हैं क्योंकि हम मिले बगैर नहीं जा सकते अगर मिले बगैर जाएंगे तो हम रा, राम जी को क्या जवाब देंगे तो उन्होंने रुक कर सांस रोक के रावण के लौटने का इंतजार किया कि रावण अगर लौट जाएगा तो फिर हम सीता जी से मिल लेंगे रावण ने सीता को बहलाया फुसलाया लालच दिया सीता नहीं डिगी वह डर से कांप रही थी पर उन्होंने रावण की एक ना सुनी तरस्कार किया रावण ने कहा तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है सुमुखी मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा जब तक तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहोगी मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं मेरी बात मान लो और सुख भोग करो अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा सोच लो तुम्हारे पास अब केवल दो महीने बचे हैं रावण जब लेकर आया था तब एक साल का समय दिया था अब सिर्फ दो महीने बचे थे ठीक है तो दस महीने दस महीने बीत चुके थे दो महीने बचे हुए थे तो रावण उनको हर तरीके से समझा रहा था बुझा रहा था कि तुम मेरी बात मान लो और मुझे जो है अपने आप को मुझे समर्पित कर दो तुम जब तक नहीं चाहोगी मैं तुम्हें नहीं छूंगा लेकिन एक सवाल का समय दिया था ना मैं तुम्हें नहीं छूंगा जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी और अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें तलवार से काट दूंगा आप तुम्हारे पास सिर्फ दो महीने का समय बचा है तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है मुझे राम के पास पहुंचा दो वे तुम्हें क्षमा कर देंगे तुमने ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश निश्चित है तुमने अपराध किया है तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मूर्ख राक्षस तुम्हारा अंत निकट है तो अब क्या है? सीता जी क्या बोलती हैं कि राम तुम्हारा सर्वनाश जरूर करेंगे तुम मुझे लेकर आए हो अपने सर्वनाश को लेकर आए हो तुम्हारा नाश निश्चित है तुम चाहे जितना कुछ सोच लो तुम बच नहीं सकते हो रावण क्रोध में पैर पटकता हुआ चला गया अब जब सीता ने स्वीकार नहीं किया तो उसको गुस्सा आ गया और पैर पटकता हुआ वापस चला गया रात गाढ़ी होती जा रही थी रावण के जाने पर राक्षसियों ने सीता को घेर लिया उसे डराने धमकाने लगी बोली तुम मूर्ख हो रावण का प्रस्ताव अस्वीकार कर रही हो यह रावण की नगरी है तुम्हारा आराम यहाँ कभी नहीं पहुंच सकता तुम्हें कोई नहीं बचा सकता राक्षसियों में एक त्रिजय थी उस सबसे भिन्न उसने कहा मैं मैंने एक सपना देखा है पूरी लंका समुद्र में डूब गई वह नष्ट हो गई ये सब नष्ट हो गया यह सपना अच्छा नहीं है कहीं यह सीता के दुख से जुड़ा तो नहीं है सीता की हिचकियां बंद गई वह विलाप करने लगी अब क्या था अब उसको गुस्सा आ गया रावण को वो तो पैर पटकता वापस चला गया अब सारी राक्षस रक्ष, राक्षसियों ने उसे घेर लिया समझाने लगी अरे रावण है तुम तुम्हारा राम यहाँ नहीं आ पाएगा तुम क्यों नहीं उनकी बात मान रहे हो लेकिन एक राक्षसी थी जिसका नाम था त्रिजय उसका उसने एक सपना देखा था कुछ अशुभ सपना था कि जो है पूरी लंका पानी में डूब गई सब कुछ नष्ट हो गया तो तो उसे ये लग रहा रहा था कहीं सीता सीता के के दुख के कारण ये सब कुछ तो नहीं हो है लेकिन इधर हिचकियां ले रही थी और दुख भी विलाप भी कर रही थी कि ये क्या से क्या हो रहा है देर राख राक्षसियां एक एक कर चली गई सीता वाटिका में अकेली थी यह अच्छा अवसर था पर हनुमान पेड़ से नहीं उतरे कहीं सीता मुझे भी राक्षस ना समझ समझने राक्षसियां चली गई सब हो गया अकेली हो गई लेकिन अभी भी हनुमान सीता के सामने नहीं आए क्योंकि वो वानर रूप में थे अगर सामने आते तो वो भी उन सीता भी उनको राक्षस समझ लेती इसलिए वो उनके सामने नहीं आ रहे थे मायावी चाल मान ले उन्होंने सोचा पेड़ पर बैठे बैठे उन्होंने राम कथा प्रारंभ करी राम का गुणगान राम की लंका में रा, रावण की लंका में राम चर्चा सुनकर सीता चौकी उन्होंने ऊपर देखा जिधर से आवाज आ रही थी पूछा कौन हूं तो उन्होंने बोला कि मुझे कहीं है वो राक्षस या माया भी ना समझ ले इसलिए इनके सामने जाना जरूरी था उन्होंने सोचा जुगत लगाई उन्होंने पेड़ पर बैठे बैठे राम कथा प्रारंभ कर दी अब उन्होंने सोचा रावण की लंका में राम का कौन गुणगान कर रहा है तो उन्होंने देखा और पूछा भाई कौन हो तुम बताओ सीता जी ने पूछा हनुमान नीचे उतर आए उन्होंने सीता को प्रणाम किया राम की अंगूठी उन्हें दी कहा हे माता मैं श्री राम का दास हूँ किस्कंधा के वानर राज सुग्रीव का अनुचर हूँ उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपका समाचार लेने हनुमान को लेकर सीता के मन में अब भी शंका थी उन्होंने पर्वत पर फेंके आभूषणों की याद दिलाकर संदेह दूर किया उन्होंने बताया कि मैं कौन हूँ यहाँ पर कि मैं क्या कहते हैं सुग्रीव सुग्रीव का किसकिंधा के जो राजा हैं सुग्रीव उनका अनुचर यानी उनका नौकर हूँ मैं और श्री राम ने मुझे यहाँ भेजा है लेकिन अभी भी सीता माता ने उनका विश्वास नहीं किया फिर उन्होंने याद दिलाया कि आपने पहाड़ के ऊपर जो गहने आभूषण फेंके थे वही हम तो उनको वो घटना याद आ गई तो तब उनको यकीन हुआ कि ये राम के ही भेजे हुए हैं सीता ने राम का कुशल क्षेम पूछा कई प्रश्न किए हनुमान ने उन्हें कंधे पर बैठा कर राम के पास ले जाना चाहते थे सीता ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो सीता ने राम जी के बारे में पूछा कि भाई वो कैसे हैं क्या है सब कुछ है बाद में हनुमान जी ने बोला कि आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए मैं आपको लेकर चलता हूं तो मगर उन्होंने बोला कि नहीं मैं इस तरीके से नहीं जाऊंगी उन्होंने कहा यह उचित नहीं होगा पुत्र पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुंचेगा उन्होंने बोला कि यह सही रास्ता नहीं और अगर तुम पकड़े गए तो मैं जो कहना चाहती हूं वो तुम राम तक भी नहीं पहुंचा पाओगे हनुमान ने सीता से विदया ली व पूरी सूचना तत्काल राम तक पहुंचाना चाहते थे चलते समय सीता ने अपना एक आभूषण उन्हें दे दिया उनकी आंखें नम थीं। हनुमान ने कहा निराश ना हो माते श्री राम दो माह में अवश्य पहुंच जाएंगे तो अब वो जाने लगे उनको प्रणाम किया तो सीता ने अपना एक आभूषण निकाल के दिया कि बता ये तो बताना सबूत तो ये कि हम सीता से मिले थे तो ये देना बहुत दुखी थी उन्होंने बोला परेशान नहीं राम जी दो महीने में यहाँ अवश्य पहुंच जाएंगे हनुमान राम के पास लौटने को उद्दत थे मतलब वो तुरंत राम जी के पास पहुंच जाना चाहते थे उत्तर दिशा की ओर जाना था पर कुछ सोचकर रुक गए उन्होंने रावण का उपवन तहस नहस कर दिया अशोक वाटिका उजाड़ दी वृक्ष उखाड़ दिए और विरोध करने लगे सभी राक्षसों को मार डाला रावण के कई महाबली मारे गए हनुमान से लड़ते हुए रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी प्राण गवा बैठा अब उन्होंने सोचा कि हम वापस तो जा रहे हैं उन्होंने पूरा वंत नहस कर दिया बहुत सारे राक्षसों को मार दिया और उन राक्षसों में लड़ते हुए एक रावण का पुत्र भी था उसका नाम था अक्षय कुमार वो भी मारा जाता है राक्षस भागे भागे राजमहल गए रावण को इसकी सूचना दी एक वानर के उत्पाद के बारे में बताया रावण तिलमिला गया उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा उसने मेघनाथ को भेजा अपने सबसे बड़े बेटे को कहा उस वानर को मेरे सामने उपस्थित करो उसने जघन्य अपराध किया है अब क्या हुआ बहुत कोशिश करी करी भाई उनको पकड़ने के लिए कोई भाई नहीं लेकिन रावण को भी बहुत गुस्सा आया फिर वो कहाँ गया वो गया कहां सीधे? उसने अपने बेटे मेघनाथ को जो है भेज दिया मेघनाथ को भेजा हनुमान को पकड़ने के लिए लेकर आओ उसने बहुत बड़ा अपराध किया उसने उसके एक पुत्र को मारा था उसको पकड़ कर लेकर आओ मेघनाथ ने हनुमान से भीषण युद्ध किया वह इंद्रजीत था मेघनाथ ने एक बार इंद्र को पराजित किया था इसलिए उसका नाम उसको इंद्रजीत भी कहते थे बांध लिया राक्षस उसे खींचते हुए रावण के दरबार में ले आए मेघनाथ उसे पकड़ने में कामयाब रहा पकड़ के लेकर हनुमान जी को जो है दरबार में ले आया शक्तिशाली रावण सिंहासन पर बैठा था उसके सेनापति ने पूछा कौन हो तुम किसने तुम्हें यहाँ भेजा है हनुमान के मन में भय नहीं था शक्तिशाली रावण रावण सिंहासन बैठा था तो सेनापति ने उससे पूछा कि तुम कौन हो यहाँ क्यों आए हो मगर हनुमान जी बिल्कुल भी डर नहीं रहे थे मैं श्री राम का दास हूँ मेरा नाम हनुमान है आप श्री राम की पत्नी सीता को हरलाए हैं मैं उन्हीं की खोज में आया था उस, उनसे मैं मिल चुका हूं आपके दर्शन करना चाहता था इसीलिए उत्पात करना पड़ा इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है दंड के भागी तो राक्षस हैं उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने उसने हनुमान जी ने अपना परिचय दे दिया कि मैं राम का दास हूं सीता जी की खोज में आया था उनसे मिल चुका हूं आपसे मिलना चाहता था इसलिए उत्तापपात किया अब राक्षसों ने दोष किया कि मुझे उस उत्पात से वो रोक रहे थे क्रोध में रावण हनुमान को मारने उठा छोटे भाई विभीषण ने उसे रोक दिया कहा आप नीतिवान हैं राजन नीति के अनुसार दूध का वध अनुचित है आप उसे कोई दूसरा दंड दे तो अब रावण को गुस्सा आ गया हनुमान को मारने लगे तो ने रोका दूध को मारना गलत है आप इसको कोई और दंड दे दीजिए हनुमान ने रावण को पुनः प्रणाम किया मेरा एक निवेदन है आप सीता को सम्मान सहित लौटा दें इसी में आपका कुशल है धनुर्धर राम से आप युद्ध नहीं जीत सकते अब रावण भाई दूत है तो प्रस्ताव तो पेश करेंगे उन्होंने बोला कि आप सीता को वापस कर दीजिए नहीं तो राम आपको नहीं छोड़ेंगे आपका वध कर देंगे रावण ने हनुमान की पूछ में आग लगा देने की आज्ञा दी राक्षसों ने आग लगा दी जलती हुई पूछ के साथ उन्हें नगर में घुमाया राक्षस छिटोली कर रहे थे इसी बीच हनुमान ने बंधन तोड़ दिए एक भवन पर चढ़कर उसने आग लगा दी एक से दूसरे भवन पर कूदते कूदते उन्होंने सभी भवन जला दिए हाहाकार मच गया लंका जल रही थी धू करके राक्षस विलाप कर रहे थे अब रावण ने दूसरा दंड देना था तो उन्होंने क्या बोला कि भाई बानर को सबसे प्रिय उसकी पूछ होती है उसके पूछ में आग लगा दो पूछ में आग लगा दी और उसको शहर में घुमाने लगे बांध के अब इतने में हंसी मजाक कर रहे थे मजाक उड़ा रहे थे हनुमान जी का उन्होंने अपना बीच रास्ते में बंधन तोड़ा और इधर से उधर जलते हुई पूंछ से जो है पूरी लंका में आग लगा दी पूरी लंका में आग लग गई और सभी राक्षस रोग विलाप करने लगे वो रोने लगे अचानक हनुमान को सीता की चिंता हुई व अशोक वाटिका की ओर भागे डर था कि कहीं आग उन तक ना पहुंच गई हो सीता सकुशल थी पेड़ के नीचे बैठी थी आग से अप्रभावित हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया आशीर्वाद मांगा अब जब ये लोग यहां कर रहे थे भाई पूरी लंका जला दी तो उनको डर था ऐसे नहीं सीता माता तक भी आग पहुंच जाए तो वो जल्दी से भागे भागे अशोक वाटिका क्या कहते नहीं वहां पर सीता माता ठीक थी उनको प्रणाम किया आशीर्वाद लिया और वो वापस चल दिए और उत्तर दिशा की ओर उड़ चले राम के पास दूसरे तट पर सभी हनुमान की को प्रती की प्रतीक्षा कर रहे थे अंगद जामवंत और वानर आते ही उन्हें सबने घेर लिया हनुमान ने संक्षेप में लंका का हाल सुनाया सीता से भेंट का क्रम बताया कहा मैंने उन्हें देखा बात की यह समाचार शीघ्र श्री राम तक पहुंचाना चाहिए समय अधिक नहीं है वानर किलकारियां भरने लगे प्रसन्नता से वानरों का उत्पात बढ़ गया उन्होंने मार्ग में कई वन उजाड़े फल खाए और फेंके दौड़ते हुए चले और किष्किंधा पहुंच गए राम के पास वानरों को साथ लेकर सुग्रीव वहां पहुंचे तो अब क्या हुआ इधर सब जब वो पहुंचे तो सभी ने उनको घेर लिया कि भाई क्या बात है कहाँ उन्होंने सारा हाल कह सुनाया बताया और बताने के बाद में उन्होंने अब कहा कि अब ये सारा हाल हमें राम को बताना चाहिए तो वो किशकंधा की तरफ निकल गए और इधर वानर बहुत खुश थे तो उन्होंने खूब उत्पात वन के अंदर मचाया खूब फल खाए इधर उधर उछलना कूदना सब कुछ वो करते रहे हनुमान ने राम को सीता द्वारा दिया गया आभूषण दिया अब हनुमान जब किशकि राम जी के पास तो सीता जी एक आभूषण दिया था गहना दिया था कि राम जी को देना तो वो किशिंदा पहुंच के उन्होंने राम जी को दे दिया राम की आंखों में आंसू आ गए उन्होंने हनुमान से कई प्रश्न किए वे कैसी हैं कैसे रहती हैं उन्होंने कोई संदेश भेजा अब उनका गहना देखते ही राम जी की आंखों में आंसू आ गए उन्हें सीता के लिए बहुत तकलीफ होने लगी अब उन्होंने अपने प्रश्नों की झड़ी हनुमान पे लगा दी कैसी हैं, कैसे रहती हैं क्या खाती हैं क्या पहनती हैं कैसे सोती हैं उन्हों कोई संदेश भेजा है बहुत सारे प्रश्न उन्होंने हनुमान जी से पूछ लिए हनुमान ने पूरी बात विस्तार से कही अब जितना वहां सब कुछ हुआ था सब कुछ उन्होंने विस्तार से राम जी को बता दिया कहा मैंने उनसे भेंट की वे व्याकुल हैं चिंतित हैं हर समय राक्षसों से घिरी रहती हैं आपकी प्रतीक्षा कर रही उन्होंने कहा यदि श्री राम दो माह में नहीं मैं यहाँ नहीं आए तो पापी रावण मुझे मार डालेगा तो उन्होंने बताया कि वो बहुत चिंतित हैं और उन्होंने ये संदेश दिया है कि आप दो माह में वहां तक पहुंच जाइए नहीं तो रावण उन्हें मार देगा राम शोक में डूब गए भाव विहल होकर उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया आंसू रोक नहीं पाए अब सीता का संदेश जब उन्होंने सुनाया तो बहुत ही भावुक हो गए राम जी और हनुमान को गले लगाकर बहुत रोने लगे लक्ष्य स्पष्ट था लंका पर आक्रमण समय कम था सुग्रीव ने युद्ध की तैयारियां तत्काल प्रारंभ करने का निर्देश दिया अब लक्ष्य तो था कि भाई लंका जाना है सिंपल था अब सुग्रीव ने तुरंत ही बोल दिया कि सेना तैयारी करे अब हम लंका पर कूच करेंगे वानर सेना इसके लिए पहले से तैयार थी उत्साहित थी इस बार उन्हें अलग अलग टोलियों में बांटने की आवश्यकता नहीं थी अब सबको लक्ष्य पता था कि उन्हें किस तरफ जाना है लंका के तरफ जाना है तो अब उनको अलग अलग नहीं बांटना था वान सेना पहले से तैयार थी कि भाई उनको आक्रमण करना है वो सब उत्साहित थे कि अब सिर्फ दक्षिण तरफ के ही कूच करना है अलग दिशाओं में नहीं जाना था सबका लक्ष्य एक था दिशा एक थी दक्षिण सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना पर विचार किया अब सुग्रीव ने क्या किया कि भाई युद्ध में हमें कैसे आगे बढ़ना है क्या करना है इस पर विचार विमर्श शुरू हो गया हम कैसे आगे बढ़े क्या करें योग्यता और उपयोगिता के आधार पर भूमिकाएं निर्धारित हुई किसकी क्या उपयोगिता है क्या योग्यता है उसको उसी फ्रंट पे लड़ाई करनी है जैसे कोई धनुजवार चलाने में तो वो ठीक है कोई छुपके वार करने में तो वो उस पर करेगा कोई हाथ पैर से लड़ाई कर लेते तो हर किसी को योग्यता के अनुसार उसका काम दे दिया गया हनुमान अंगत जामवंत नल और नील को आगे रखा गया तो सेना में ये सब आगे थे हनुमान जामवंत नल नील अंगत ये सब सेना में सबसे आगे चल रहे थे समुद्र पर चर्चा हुई उसे कैसे पार करेंगे अब सबसे बड़ी मुसीबत तो समुद्र थी हनुमान तो उड़के जा सकते थे अब हर बंदर तो नहीं उड़ सकता था तो अब सबसे बड़ा भाई समुद्र कैसे पार किया जाए सेना का हर वानर हनुमान नहीं था यह एक चुनौती थी देर रात तक चर्चा का विषय रही अब चर्चा हो रही थी कि भाई सेना को उस पार पहुंचाया कैसे जाए चर्चा चल रही थी चलती रही सारी रात चर्चा ही चल रही थी मगर कुछ हल नहीं निकल रहा था कि आखिर करें तो क्या करें तो इस तरीके से हनुमान जी लंका में पहुंचे और उत्पाद किया ये सारा हमने इस खंड में देखा और अभी एक समस्या पर आकर हम सब खड़े हो गए हैं कि वानर सेना किस तरीके से समुद्र पार करेगी तो ये अब हम देखेंगे इसके अगले खंड में अगला खंड हमारा है लंका विजय कि समुद्र भी पार होगी और लंका पर विजय भी तो बस इंतज़ार कीजिए अपने इस आने वाले नए खंड का ओके बाय बाय